नमस्कार दोस्तों, सिराधे। अगर आपका जन्म सोमवार के दिन हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास शास्त्री, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। और फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम विषय पे आते हैं। सबसे पहले सोमवार अर्थात चंद्रमा के दिन आपका जन्म हुआ है। चंद्रमा के दिन जन्म होने के नाते आप में इमोशन होगा, आप में लेखन, भावना को समझने की सोच, किसी चीज को चित्रण करने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन मन उदास होना, स्विंग होना जैसी चीजें भी आप में पाई जाएंगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है रविवार सोमवार मंगलवार की, इसमें आप सोमवार को पैदा हुए हैं तो किन दिनों को आपके लिए शुभ माना जाएगा और किन दिनों के को आपके लिए अशुभ माना जाएगा। इसमें सोमवार के जो मित्र दिन है अर्थात जैसे रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार का दिन और खास तौर से सबसे श्रेष्ठ शुक्रवार का दिन, इन चार दिनों में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए काफी शुभ होगा। कौन से दिन है जो आपके लिए कम अच्छे होंगे? जैसे शनिवार का त्याग आप करें। कारण क्या है? ज्योतिष का मानना है कि चंद्रमा और शनि को मिलने पे विषयोग कहा जाता है। इसी कारण से मैंने कई बार देखा है कि जिनका दो मूलांक होता है, ये नामांक या भाग्यांक में 8 आ जाता है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। कुंडली में भी चंद्रमा और शनि साथ बैठते हैं तो उनको मानसिक पीड़ा बनी रहती है। तो आप अपने जीवन का कोई भी बड़ा कार्य करें, जैसे नए प्रतिष्ठान को डाल रहे हैं, नया व्यवसाय आपका शुरू हो रहा है, नौकरी पे पहली बार जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, कोई बढ़िया और अच्छा सामान, गाड़ी खरीदना, या आपकी खुशी के लिए कुछ भी बड़ा काम है, तो अगर आपका जन्म सोमवार को हुआ है तो खास तौर से आपको शनिवार बचाना चाहिए। दूसरा दिन कौन सा है जिसको बचाना चाहिए? बुधवार। ज्योतिष में बुध को चंद्रमा का दुश्मन माना जाता है। चंद्रमा बुध को बड़ा प्रेम करते हैं लेकिन चंद्रमा को बुध प्रेम नहीं करते। तो जो लोग सोमवार को पैदा हुए वो बुधवार और शनिवार को कदापि अपना कार्य ना करें। मंगलवार को भी कोशिश करके थोड़ा सा बचाएं। सबसे शुभ दिन की बात करें तो शुक्रवार, बृहस्पतिवार, रविवार और इनका स्वयं का दिन सोमवार। स्वयं का दिन अच्छा माना जाता है, सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है। तो जिनका जन्म सोमवार हो वो अपने इन दिनों की का चुनाव करें, और मित्रता हो, प्रेम संबंध हो, विवाह हो, सब पे आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट देखा जाता है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास डेट नहीं है, टाइम नहीं है, कुंडली नहीं है, तो कम से कम दिन का ध्यान रखकर आप चीजों का चयन रखें तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। अगर उपचार की बात करें, एक टिप्स की बात करें कि क्या करें आपके लिए बेहतर है, तो सबसे पहले चीज आप कोशिश करें अपने जीवन में लेट नाइट न सोएं, सुबह जल्दी उठे। गहरी नींद अगर आपको आती है तो आपका चंद्रमा ठीक होगा। आप अपने आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज रात को सोते समय मत रखिए। बिस्तर पे आजकल लोग मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, तमाम चीजें रख के सो जाते हैं। राहु की चीजें आप अपने जीवन से थोड़ा दूर रखें। किसी भी जगह पर अगर जाए तो कोशिश करें रखा हुआ भोजन, फास्ट फूड अवॉइड करें, ये भी राहु का होता है तो ये आपको पीड़ा देगा। तो ये रही कुछ टिप्स की बातें जिससे आप अपने जीवन में निगेटिविटी से बच सकते हैं। मित्रों, हमारी ये सीरीज है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसे करके। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों को शेयर करिए। और हाँ, कुछ भी आपको नया चाहिए, किसी विषय पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में छोड़िए। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना या ज्योतिष सीखना, तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरा सा भी विलंब न करिए। ज्योतिष पंचांग लगातार आपकी उपयोगिता से जुड़ी हुई सीरीज लाता रहता है। मोबाइल हो, नामांक हो, हर महीने मूल हो, पंचांग से जुड़ा, ज्योतिष से जुड़ा, राशि फल से जुड़ा विषय आता रहता है। तो सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार, सिराधे।